सोलन नगर निगम चुनावों को लेकर जिला प्रशासन ने पूर्ण तैयारी कर ली है। आज सोलन के उपायुक्त केसी चमन ने बैठक का आयोजन किया और चुनाव अधिकारियों को रवाना किया। उपायुक्त सोलन ने उपस्थित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और उन्हें सभी तरह की सावधानियां रखने के लिए आग्रह किया। उन्होंने बताया कि मतदाताओं में 18,730 पुरुष, 17,704 महिलाएं तथा एक अन्य मतदाता है जो कल मतदान करेंगे। उन्होंने बताया कि सोलन में 88 कोरोना पॉजिटिव वोटर हैं, उन सबके अंत में वोट करवाए जाएंगे। अधिक जानकारी देते हुए उपायुक्त सोलन केसी चमन ने बताया कि सोलन में 36,735 कुल मतदाता हैं। यह सभी बिना किसी असुविधा के मतदान कर सकें, इसके लिए जिला प्रशासन ने पूर्ण रूप से तैयारियां कर ली हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव से जुड़े सभी कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं ताकि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह की त्रुटि न रह जाए। उन्होंने शहर की जनता से आग्रह किया है कि वह अपने मत का उपयोग अवश्य करें और लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण न फैले, इसके लिए आवश्यक नियमों का पालन भी करें। वोटिंग को लेकर यह है कि हमारी तैयारियां पूर्ण हैं। हम सुनिश्चित है कि बड़ा त्रुटि रहित इलेक्शन प्रोसेस, जो कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के निर्देश है, बिना इसके तैयार हो, उसकी जो प्रॉपर रिहर्सल दे दी गई है। हर एक आदमी को ट्रेन किया गया है, किसी प्रकार की कोई आशंका, किसी प्रकार की कोई शंका किसी के समय ना रहे। मेरा सभी वोट सोलन के नागरिक हैं, जो 36,435 के करीब वोटर्स हैं जो एलिजिबल है वोट कास्ट करने से, उनसे आग्रह है कि अपना मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, घर से बाहर निकलें, क्योंकि एक समय है और अपने पसंद का जो नगर निगम का जो उम्मीदवार है उसको आप वोट डालें। इस सर्ज आ रहा है, लोगों से आग्रह है कि घर से बाहर आवश्यक तौर पर मत निकलो। ये जो वायरस है, ये तेज़ी से फैलने वाला डिफरेंट स्ट्रेन का वायरस है। अनावश्यक तौर पर हमने कहा भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करें, मास्क प्रॉपरली पहने ठोड़ी से लेकर नाक तक, और हैंड हाइजीन को मेंटेन रखें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें। ये जो तीन सूत्र है ये है, और उसके अलावा बहुत ज़रूरी है जो वैक्सीन है, पहले नहीं थे, वैक्सीन की उपलब्धि है, तो जो भी एलिजिबल है वो तुरंत जाके अपना का टीकाकरण करवाएं।